हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यूथ कंपटीशन आरआरबी 2022-23 गणित से संख्या पद्धति टाइप 7 पूरा करेंगे। क्वेश्चंस नंबर 234 से लेकर 260 तक दिया गया है। इसमें टाइप 7 का नाम क्या है? टाइप 7 आपका है संख्याओं के इकाई अंक तथा गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 234, किसी भी प्राकृतिक संख्या एन के लिए 6 पे पावर n - 5 पे पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? तो यहाँ पर 6 पे पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे उसका इकाई का अंक हमेशा 6 होता है, और 5 पे पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होता है? 5 ही। तो 6 - 5 कहने का मतलब 1 होगा, तो इसका अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक कितना होगा? 1। अंतिम अंक कहने का मतलब बोल सकते हैं इसे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। तो 1 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रहा है 1, यही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 235, 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? तो 120 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 120 को हम लिख सकते हैं 24 - 5, और 24 को हम लिख सकते हैं 8 - 3। तो 8 को लिख सकते हैं 2 का घात 3, और 3 को लिख सकते हैं 3 का घात 1, और 5 को 5 का घात 1। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या। तो जो भी पावर रहता है क्या करते हैं, पावर में 1 बढ़ाकर और उसको फिर गुना कर देते हैं, यानी कि 3 पावर में है तो क्या करते हैं, 3 + 1। उसके बाद यहाँ पर पावर में 1 है तो 1 + 1, यहाँ पर पावर में 1 है तो 1 + 1, और सभी को गुना कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 4 × 2 × 2, तो 4 × 2 = 8 × 2 = 16, यानी कि कुल भाजकों या कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गई, 16। अब देखिए इसके बाद निकालते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 2 का घात 3 है, और 2 क्या आपका है, सम संख्या। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या 3 तो हो गई, और आगे देखिए यहाँ पर 3 आपका विषम है, तो विषम वाला पर जो भी पावर रहेगा उसमें 1 बढ़ाकर गुना करते हैं, यानी कि 1 है पावर में तो 1 + 1, और गुना। यहाँ पर 5 भी विषम है तो क्या करते हैं, जो भी पावर आपका 1 है तो उसमें 1 बढ़ा देते हैं, और ये देखिए कितना हो गया, 3 × 2, ये आपका 1 है, 3 × 2 × 2, तो 3 × 2 = 6 × 12 आपका हो गया सम गुणनखंडों की संख्या। और विषम को भी निकाल लीजिए, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको विषम से मतलब है, तो 2 तो आपका सम संख्या है तो इससे हमें मतलब नहीं है, तो विषम वाला आपका 3 है यानी 3 का घात 1 है, तो यहाँ पर जो भी पावर है इसमें 1 बढ़ा देंगे यानी कि 1 + 1, गुना। यहाँ पर 5 आपका विषम है तो 5 पे पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 + 1। अब देखिए यह कितना हो गया, तो 2 × 2 यानी कि 4। विषम गुणनखंडों की संख्या 4 और सम गुणनखंडों की संख्या 12, कुल गुणनखंडों की संख्या 16। क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि विषम और सम, विषम और सम पूछ रहा है, तो विषम आपका 4 है और सम आपका 12 है, तो 4, 12 रहना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, ये आपका विषम कौमा सम हमने लिखा, यानी कि विषम भाजकों की संख्या और सम भाजकों की संख्या क्रमशः 4 और 12 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 236, क्वेश्चन नंबर देखिए 236, यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योगफल 660 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत गुणज है, यहाँ पर इस तरह से हम बना देते हैं 5 क्रमागत गुणज, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका औसत क्या होगा, बीच वाला आपका होगा जो क्या होगा, औसत होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्रश्न में क्या लिखा गया है, प्रश्न में लिखा है कि 5 क्रमागत गुणजों का योगफल 660 है, तो औसत क्या होता है, यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो यहाँ पर देखिए योगफल कितना आपके प्रश्न में दिया है, योगफल दिया गया है 660, और 5 क्रमागत संख्या है मतलब बटा 5, तो यहाँ पर से 5 × 10 और 66 × 132 आपका हो गया औसत, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 132। अब 132 के ठीक पहले वाला संख्या कौन होगा, जो 2 का गुणज होगा यानी कि इससे 2 कम, तो 130, और इसके ठीक पहले वाला तो क्या होगा, ये 128, और आगे जाएंगे तो 132 से ठीक अगला कौन होगा 2 का गुणज, तो 134, और इसके अगला तो इससे 2 ज्यादा यानी कि 136। अब जो भी पूछे आप बता सकते हैं, क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो ये आपका हो गया आंसर, यानी कि कितना हो जाएगा, 136। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है 136, यही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 237 नंबर क्वेश्चन है,
दो पे पावर सात गुना कितना लिखा है, तीन पे पावर चार गुना, दो पे पावर सात गुना, तीन पे पावर चार गुना, पांच पे पावर तीन गुना सात, यानी कि सात पे पावर एक हम लिख सकते हैं के कितने गुणनखंड सम है, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। यहां पर हम लिख रहे हैं सम गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए दो आपका क्या है सम संख्या है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या यहां पर सबसे पहले जो पावर है वो लिखते हैं, यानी कि सात गुना। अब तीन पांच सात ये सारा जो भी रहेगा विषम संख्या रहेगा, तो जो पावर रहता है उसमें एक वृद्धि करते हैं, यानी कि एक बढ़ाते हैं। पावर में आपका चार है तो चार प्लस एक गुना, यहां पर पांच भी आपका विषम है पावर में तीन है तो क्या करते हैं पावर में एक बढ़ा देंगे, यानी कि तीन प्लस एक गुना। सात भी विषम है तो सात पे जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा देंगे, यानी कि पावर में आपका एक है तो एक प्लस एक। अब देखिए सात गुना चार प्लस एक तो पांच हो गया गुना, तीन प्लस एक तो चार हो गया गुना, एक प्लस एक तो दो हो गया, तो पांच दूनी दस सात चौके अट्ठाईस, अट्ठाईस गुना दस यानी कि कितना हो जाएगा तो 280। तो 237 का कौन सा ऑप्शन दिया है, तो बी नंबर ऑप्शन दिया है 280, यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 238, 124 पे पावर एन प्लस 124 पे पावर एन प्लस वन के मान में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक ज्ञात कीजिए जहां एन एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए एन एक पूर्ण संख्या है तो एन का मान आप यहां पर एक ले सकते हैं, तो एन का मान हम एक लेंगे तो क्या हो जाएगा 124 पे पावर एक और प्लस क्या हो जाएगा 124 पे पावर एक प्लस एक यानी कि दो। अब देखिए 124 पे पावर एक यानी कि हम इसे लिख सकते हैं चार पे पावर एक क्योंकि इकाई अंक से में मतलब है प्लस, यहां पर इकाई का अंक क्या है आपका चार, तो चार पे पावर दो। अब चार पे पावर एक मतलब चार, चार पे पावर दो मतलब सोलह, इकाई का अंक से में मतलब है तो यहां पर सोलह का इकाई का अंक छह, तो ये चार प्लस छह कितना होता है दस, इकाई का अंक जीरो, यानी कि इकाई का अंक कितना हो गया जीरो। तो जीरो कौन सा ऑप्शन है 238 का डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है जीरो, यही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए 239 नंबर क्वेश्चन है, इक्यानवे गुना बानवे गुना तिरानवे गुना डॉट 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 कितना है 99, इक्यानवे गुना बानवे गुना तिरानवे गुना चौरानवे गुना पंचानवे, इसी प्रकार से आपका लास्ट कितना है तो लास्ट आपका 99 है। इसके गुणनफल का इकाई का अंक आपको बताना है, यूनिट डिजिट कितना होगा जो आपसे पूछा है, यानी कि इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कोई भी पांच के साथ सम संख्या होता है तो पांच गुना दो करने पर कितना हो जाता है दस, दस का इकाई का अंक कितना होता है जीरो, मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो गया जीरो। तो जीरो कौन सा ऑप्शन दिया गया है डी नंबर ऑप्शन में दिया है जीरो, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 240, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 4200 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो 4200 को अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करते हैं, तो पहले 42 गुना 100 हम लिख सकते हैं, अब 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 7 यानी कि 2 गुना 3 6 हो गया गुना 7, ये 42 हो गया, और 100 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 4 या 25 को आप लिख सकते हैं 5 का घात 2 और 4 को 2 का घात 2, यानी कि आप सजा करके लिख देते हैं तो 2 का घात कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, मतलब 2 का घात 3 हो गया और 3 का घात 1 और 5 का घात 2 और 7 का घात 1। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, जो भी पावर रहता है उसमें एक बढ़ाकर सभी को गुना कर देते हैं, तो पावर में 3 है तो 3 प्लस 1, इसके बाद यहाँ पर पावर में 1 है तो 1 प्लस 1, यहाँ पर पावर में 2 है तो 2 प्लस 1 और यहाँ पर पावर में 1 है तो 1 प्लस 1, अब सभी को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 4 दुनी 8 या 24 दुनी 48, तो 48 कौन सा ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 240 का ए नंबर ऑप्शन दिया है 48, यही आपका फाइनल आंसर है। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर देखिए 241, 12288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, 12288 है तो यहाँ पर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 का घात 12 गुना 3 का घात 1। अब देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या हमें निकालना है, तो जो भी पावर रहता है उसमें एक बढ़ा देते हैं, यानी कि पावर में आपका 12 है तो 12 प्लस 1 और यहाँ पर पावर में 1 है तो 1 प्लस 1, अब इसको गुना कर देंगे तो 12 प्लस 1 13 गुना 1 प्लस 1 2, 13 दूनी 26, ये कौन सा ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 242, क्वेश्चन नंबर देखिए 242, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यहाँ पर n को ये आपका धनात्मक संख्या है, इसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल
तीन प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं भागफल आपका x है, तो n बराबर हम लिख सकते हैं पांच गुना एक्स प्लस तीन, यानी कि पांच एक्स प्लस तीन। और यहाँ पर x का मान आप सबसे पहले जीरो ले सकते हैं, फिर एक ले सकते हैं, फिर दो ले सकते हैं, फिर तीन ले सकते हैं, इसी प्रकार से। तो n का मान आपका क्या क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले x का मान हम जीरो लेते हैं, तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, पांच गुना जीरो प्लस तीन, यानी कि जीरो प्लस तीन तो तीन हो गया। उसके बाद x का मान हम अगर जो एक लेते हैं तो कितना हो जाएगा, n का मान पांच गुना एक प्लस तीन, यानी कि आठ हो गया। उसके बाद x का मान दो लेते हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा, पांच गुना दो प्लस तीन, यानी कि तेरह, तो इकाई का अंक तीन हो गया। x का मान आप कुछ भी लीजिए, मान लीजिए कि x का मान हमने ले लिया कि 50 है, तो n का मान कितना हो जाएगा, तो पांच गुना पचास प्लस तीन, तो 50 पचे पचे 25, 250, 250 प्लस तीन, यानी कि कितना हो गया, तो 353 का इकाई का अंक तीन। अगर जो हम x का मान मान लीजिए कि ले लेते हैं 60, तो क्या हो जाएगा, n बराबर देखिए पांच गुना साठ प्लस यहां पर कितना हो जाएगा तीन, तो 60 पचे 300, 300 में तीन जोड़ेंगे तो 303, तो इकाई का अंक कितना हो रहा है तीन। अगर जो n का मान हम ले लेते हैं मान लीजिए कि 61, तो n का मान कितना हो जाएगा, पांच गुना 61 प्लस तीन, 61 पचे कितना हो जाएगा, तो एक पचे पांच और छह पचे 30, यानी कि 305 प्लस तीन, तो कितना हो गया 308, तो इकाई का अंक कितना हो रहा है 8। तो यहां पर देख सकते हैं इकाई का अंक या तो तीन नजर आ रहा है या आठ नजर आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन दिया है, तीन या आठ, तो सी नंबर ऑप्शन दिया है तीन या आठ, तो यही आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 243, क्वेश्चन नंबर देखिए 243, चार गुना 38 गुना 764 गुना 1256 का इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक से हमें मतलब है, तो यहाँ पर चार गुना इकाई का अंक, यहाँ पर आठ है तो चार गुना आठ, यहाँ पर इकाई का अंक चार है तो गुना चार, और यहाँ पर इकाई का अंक छह है तो गुना छह। तो देखिए चार अठी 32, 32 का इकाई का अंक दो हो गया, फिर दो गुना चार तो दो चौके आठ, इकाई का अंक आठ हो गया, फिर अठ छक 48 तो 48 का इकाई का अंक कितना हो गया आठ, यानी कि इकाई का अंक कितना हो गया आठ। आठ कौन सा ऑप्शन है, तो 243 का बी नंबर ऑप्शन में दिया है आठ, यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा को गुना भी कर सकते हैं, तो देखिए 6 चौके 24, फिर 24 चौके 96, तो 96 गुना 8 भी कर सकते हैं इस तरह से आप, तो 96 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इधर कुछ भी हो 6 8 48, तो इकाई का अंक 8 हो रहा है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 244, 1373 पे पावर 36 माइनस 1442 पे पावर 20 का इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपका आधार का इकाई का अंक तीन है, यानी कि तीन पे पावर 36 लेना है और माइनस, यहाँ पर आधार का इकाई का अंक दो है तो दो पे पावर 20। अब देखिए जब भी आपके प्रश्न में दो तीन सात या आठ हो आधार का अंक और उस पर पावर कुछ भी रहे, तो पावर में चार से भाग देते हैं, और अगर जो पावर में चार से भाग देने पर पूरा पूरी भाग लग जाता है, शेषफल जीरो आता है, तो पावर अपने मन से चार लेना है। तो यहां पर देखिए 36 में चार से भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा, चार नमा 36, तो अपने मन से कितना लेंगे पावर में चार, फिर माइनस दो का घात 20 है, 20 में चार से भाग देंगे तो चार पच्चीस, पूरा पूरी भाग लग जाता है, शेषफल जीरो आ जाता है चार से भाग देने पर, तो अपने मन से पावर चार लेना है, यानी कि दो पे पावर चार। तीन पे पावर चार कितना होता है 81, दो पे पावर चार कितना होता है 16, तो यहां पर से आप 81 में से भी 16 घटा सकते हैं, तो कितना होगा 11 में से 6 जाएगा 5, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 244 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 245 आपका है, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो 256 का सबसे पहला गुणनखंड एक है, एक आपका एक का वर्ग एक होता है, उसके बाद चार, तो दो का वर्ग चार होता है, उसके बाद 16, तो यहाँ पर चार का वर्ग 16 होता है, फिर 64, 64 है जो आठ का वर्ग होता है, फिर 256, 256 है जो 16 का वर्ग होता है, तो एक दो तीन चार पांच, कुल ऐसा पांच पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका पांच, यही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 246, 246 नंबर है, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है, यानी कि सर्वाधिक गुणनखंड वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला, पहला नंबर ऑप्शन में कितना दिया है आपका 156, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा 12 गुना 13 156 होता है, तो 12 को लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुना 3 का घात 1,
12 ये हो गया, फिर 12 गुना 13 मतलब 13 का घात 1। अब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे लिखेंगे, तो जो भी पावर रहता है उसमें एक बढ़ाकर, तो पावर में आपका 2 है मतलब एक ज्यादा यानी कि 3, फिर गुना पावर में आपका 1 है तो 1 से ज्यादा यानी कि 2, गुना पावर में आपका 1 है तो 1 से ज्यादा यानी कि 2, तो 3 × 6 × 12 यानी कि 156 के कुल गुणनखंडों या कुल भाजकों की संख्या 12 हो गया। उसके बाद बी नंबर ऑप्शंस में कितना दिया है, 240, तो 240 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 का घात 4 × 3 का घात 1 × 5 का घात 1। यहां पर कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगी, तो देखते हैं पावर में आपका 4 है तो 4 से 1 बढ़ा देंगे यानी कि 5, गुना पावर में आपका 1 है तो 1 में 1 बढ़ा देंगे यानी कि 2, गुना यहां पर पावर में 1 है तो 1 में 1 बढ़ा देंगे यानी कि 2, तो 5 × 10 × 20 कुल गुणनखंडों की संख्या हो गया 20, 240 के कुल भाजकों की संख्या हो गया 20। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में कितना दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन देखिए 172, तो 172 को आप लिख सकते हैं 2 का घात 2 × 43 का घात 1, क्योंकि 43 चौके होता है 172। अब इसके बाद यहां पर आपका कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो कितना हो जाएगा देखते हैं, यहां पर पावर में 2 है तो 1 बढ़ा देंगे यानी कि 3, गुना यहां पर पावर में आपका 1 है तो 1 बढ़ा देंगे यानी कि 2, तो 3 × 6 आपका हो गया, 172 के कुल भाजकों की संख्या हो गया 6। अब इसके बाद डी नंबर ऑप्शंस देखते हैं, तो डी नंबर ऑप्शंस कितना लिखा है 200, तो 200 को अभाज्य गुणनखंड में इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 25/8 200 होता है यानी कि 5 का घात 2 × 8 को लिख सकते हैं 2 का घात 3। तो यहां पर देखिए पावर में यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या लिख रहे हैं, तो पावर में देखिए आपका 2 है तो 1 बढ़ा देंगे यानी कि 3, गुना यहां पर पावर में 3 है तो 1 बढ़ा देंगे यानी कि 4, तो 3 × 12। तो देखिए यहां पर 156 के कुल गुणनखंड की संख्या है 12, 240 के कुल गुणनखंड की संख्या है 20, यानी कि 12, 20 और 172 का है 6 और 200 का है 12, तो सबसे अधिक 20 है, किसका है ये, तो ये आपका 240 का है, तो ऑप्शंस नंबर बी आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस नंबर 247, ये दिया गया है जो है इसका इकाई का अंक निकालना है, तो यहाँ पर देखिए आधार का इकाई का अंक आपका क्या है 1, मतलब इकाई का अंक आपका 1 है और इस पर पावर कितना है 51। यहाँ पर देखिए आधार का इकाई का अंक आपका कितना है 1, यानी कि 1 आपका आधार का इकाई का अंक है और इस पर पावर कितना है 43, तो 1 पे पावर कुछ भी रहे इसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा 1, गुना यहाँ पर देखिए इधर कुछ भी है इकाई का अंक 1 है, 1 पे पावर कुछ भी तो इकाई का अंक कितना होगा 1 ही होगा, तो 1 × 1 करेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा 1। एक कौन सा ऑप्शन दिया गया है, एक आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 248, 248 नंबर क्वेश्चन है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो 729 को हम पहले ब्रेक करके लिख सकते हैं 81 × 9, ये आपका हो जाएगा 729। तो देखिए पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड कौन कौन है, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड आपको बताना है कि कौन कौन है, तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है और 729 का गुणनखंड 1 है। उसके बाद 9, 3 का वर्ग है। उसके बाद 81, 9 का वर्ग है। उसके बाद खुद 729 है जो कितना का वर्ग है, 27 का वर्ग है। तो 1, 2, 3, 4 कुल ऐसा 4 संख्या है, तो ऑप्शंस नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 4। लेकिन आपके बुक में जो दिया गया है वो गलत है, यहां पर देखिए सी नंबर ऑप्शन यानी कि 3 ही दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 249, क्वेश्चन नंबर देखिए 249, ये लिखा गया है 2 पे पावर 8 × 3 पे पावर 2 × 5 पे पावर 3 × 7 पे पावर 5 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो यहां पर देखिए आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो 2 आपका सम संख्या है तो ये कितना है इसका पावर 8, तो सबसे पहले हम 8 लिख देंगे, इसके बाद गुना। अब देखिए 3, 5, 7 ये सारा आपका विषम संख्या है, तो पावर में जो भी है उसमें 1 बढ़ाकर लिखेंगे, यानी कि पावर में आपका 2 है तो क्या लिखेंगे 2+1, फिर गुना पावर में 3 है तो 3+1, गुना पावर में 5 है तो 5+1। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 × 3 × 4 × 6। तो यहां पर देखिए ध्यान से 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 96, 96 × 6 तो कितना हो जाएगा 6×6 = 36, 6 × 3 फिर 6×9 = 54 और 3 = 57, 576, ये सी नंबर ऑप्शन दिया है, यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 250,
इसका आपको विषम गुणन खंडों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले दो तो आपका सम संख्या है तो इससे हमें मतलब नहीं है, और तीन पांच सात आपका क्या है, ये आपका विषम संख्या है, तो जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा देंगे, यानी कि पावर में आपका पांच है तो पांच प्लस एक, फिर गुना, पावर में चार है तो चार प्लस एक, पावर में छह है तो छह प्लस एक, अब कितना हो जाएगा, तो पांच प्लस एक छह गुना चार प्लस एक पांच गुना छह प्लस एक सात, तो छह पचे तीस सत्य दो सौ दस, ये कौन सा ऑप्शन है, तो 250 का सी नंबर ऑप्शन दिया है 210, यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 251, क्वेश्चन नंबर देखिए 251, 213 पे पावर 6 का अंतिम अंक अर्थात यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आधार का इकाई का अंक कितना है 3, तो 3 पे पावर आपका कितना हो जाएगा 6, इसका इकाई का अंक निकालना है, तो जब भी 2 या 3 या 7 या 8 हो आधार का अंक तो क्या करते हैं, उस पर जो भी पावर रहता है उसमें 4 से भाग देते हैं, तो 6 में 4 से भाग देंगे यानी कि इस तरह से 6 बटा 4, तो कितना शेषफल बचेगा, 4 एकम 4 2 शेष बचेगा, तो हम लिखेंगे 3 का घात 2 यानी कि 3 तिया 9, तो आपका इकाई का अंक कितना हो गया 9, ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 252, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो, दैट मीन्स 216 में हम किस संख्या से गुणा करें कि कुल गुणन खंडों की संख्या विषम संख्या में हो, तो 216 में हम अगर जो मान लीजिए कि किससे गुना करना है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 6 से गुना कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी नंबर ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं 6, यानी कि 216 में हम अगर जो 6 से गुना करते हैं तो देखिए 216 को पहले लिख सकते हैं 36 गुना 6 और ये 6 को लिख देते हैं एक बार, यानी कि अब कितना हो जाएगा, तो 36 मतलब आप जानते हैं कि 9 गुना 4 होता है और ये 6 गुना 6 ये भी आपका 36, यानी कि 36 गुना 36 हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, 36 को क्या लिखा जाता है आप जानते हैं 9 गुना 4 यानी कि 4 गुना 9 भी यानी कि 2 का घात 2 गुना यहाँ पर 3 का घात 2, और इसको भी लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2, अब सजा करके हम लिख सकते हैं 2 का घात 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा और 3 का घात 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुल गुणन खंडों की संख्या देखिए कितना हो जाएगा, कुल गुणन खंडों या कुल भाजकों की संख्या, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं क्या होता है, जो भी पावर रहता है उसमें एक बढ़ाते हैं, तो पावर में आपका चार है यानी कि चार प्लस एक, और यहाँ आपका पावर में चार है तो चार प्लस एक, और गुना करते हैं तो पांच गुना पांच कितना हो गया 25, और ये आपका कुल गुणन खंडों की संख्या हो गया 25, और 25 है जो क्या है आपका, ये विषम संख्या है, डेट मीन्स कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, यानी कि 216 में 6 से गुना करने पर ऐसा होता है। इसके बाद देखिए 253 क्वेश्चन नंबर देखिए 253, इसका आपको इकाई का अंक निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आधार में आपका कितना है 3, यानी कि 3 पे पावर कितना हो जाएगा 1632, उसके बाद यहाँ पर आपका आधार में 4 है तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा 1632, और यहाँ पर आधार में आपका 5 है तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा 1632। अब जब भी आपके आधार की संख्या का इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 हो तो पावर में 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देना कहने का मतलब अंतिम दो अंकों में भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इकाई का अंक आधार संख्या का 3 है देख सकते हैं, तो 3 आधार का इकाई का अंक है तो पावर में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देना मतलब जो भी पावर है उसके अंतिम दो अंकों में आपको 4 से भाग देना है, तो 32 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा, यानी कि 1632 में पूरा पूरी 4 से भाग लग जाएगा, जब पूरा पूरी भाग लग जाता है यानी कि शेषफल 0 आता है तो अपने मन से पावर के रूप में 4 लेते हैं, यानी कि 3 का घात कितना होगा 4 गुना, उसके बाद 4 पर पावर आपका 1632 है, तो क्या करते हैं 4 के लिए सम और विषम का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पर 1632 आपका क्या है, ये आपका है जो सम संख्या है, और 4 पे पावर सम संख्या जब होता है तो सम संख्या सबसे छोटा कितना होता है 2, यानी कि 4 पे पावर 2 तो कितना होता है 16, तो इसका इकाई का अंक 6 हो गया, यानी कि 4 पे पावर सम संख्या तो इकाई का अंक 6, तो यहाँ पर 6 हमने लिख दिया। उसके बाद गुना, 5 पे पावर कुछ भी रहे, 5 पे पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई का अंक क्या होता है, हमेशा 5 ही होता है, तो यहाँ पर 5 ये फिक्स हो गया। अब देखिए 3 पे पावर 4 कहने का मतलब कितना होता है 81, तो 81 का इकाई का अंक हम 1 लिख सकते हैं, और 1 गुना 6 गुना 5 तो 6 पचे 30 गुना 1 यानी कि 30, तो 30 का इकाई का अंक 0, तो 0 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 253 का बी नंबर ऑप्शन में दिया है 0, यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 254,
क्वेश्चंस नंबर देखिए 254, 8 पे पावर 10 गुना 9 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो यहां पर देखिए 8 पे पावर 10 गुना 9 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 8। तो सबसे पहले जो भी दिया गया है आपका आधार में उसको क्या कर लेना है, अभाज्य संख्या के रूप में ब्रेक कर लेना है, और जो भी फिर उस पर पावर होगा सभी को जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3 और इस पर पावर कितना है 10 गुना, 9 को लिख सकते हैं 3 का घात 2 और इस पर पावर कितना है 7 गुना, ये तो 7 आपका ब्रेक हुआ ही है, यानी कि 7 को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा ही रहने देते हैं। 7 पे पावर कितना होगा 8। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर, पावर पावर गुना होता है तो 3 गुना 10 यानी कि 30 गुना 3 पे पावर 2 गुना 7 यानी कि 14 और 7 पे पावर 8 है तो कुल गुणनखंडों की संख्या यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हुई, तो 30 प्लस 14 प्लस 8, तो 14 और 8 कितना होता है 14, 6 20 2 22 30 और 22 कितना हो गया 52। तो 52 कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 254 का 52 सी नंबर ऑप्शंस दिया गया है, 52 यही आपका आंसर है। क्वेश्चंस नंबर देखिए 255, 16 पे पावर 7 गुना 27 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 9 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। पिछला क्वेश्चंस के जैसा ही है, तो सबसे पहले 16 पे पावर 7 लिखा है, फिर गुना 27 पे पावर 6 है, गुना 5 पे पावर 9 है, तो 5 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 27 और 16 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में ब्रेक कर लेना है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और इस पर पावर कितना है 7 गुना, 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और इस पर पावर कितना है 6 गुना, 5 पे पावर कितना है 9। अब इसके बाद देखिए 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4 गुना 7 यानी कि 28, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 3 गुना 6 यानी कि 18, 5 पे पावर 9। तो यहां पर देखिए कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 28 प्लस 18 प्लस 9, 18 9 कितना होता है तो 27, 27 और 28 कितना होगा तो 27 दूनी 54 55, 55 आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चंस नंबर देखिए 256, इसका इकाई अंक निकालना है, तो देखिए आधार का इकाई अंक 1 है, 1 पे पावर कितना हो जाएगा 102 गुना, यहां पर आधार का इकाई अंक 1 है तो 1 पे पावर कितना हो जाएगा 52, 1 पे पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 1 होगा, 1 पे पावर कुछ भी तो इकाई अंक 1, तो 1 गुना 1 मतलब इकाई अंक 1, ये कौन सा ऑप्शन दिया है, तो बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 1, यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चंस नंबर देखिए 257, इसका आपको इकाई अंक निकालना है, तो यहां पर देखिए आधार का इकाई अंक 4 है तो 4 पे पावर हो जाएगा 102 प्लस, यहां पर आधार का इकाई अंक 4 है तो 4 पे पावर 103। अब हमने बताया है कि 4 और 9 के लिए क्या होता है इकाई अंक निकालने का कंसेप्ट, तो सम और विषम का कंसेप्ट यानी कि ऑड और इवन का कंसेप्ट। तो यहां पर देखिए 4 पे पावर अगर जो सम संख्या रहे तो सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है यानी कि 4 पे पावर 2 यानी कि 16, तो इकाई अंक कितना होता है 6, और 4 पे पावर अगर जो विषम संख्या रहे तो सबसे छोटा विषम संख्या होता है 1 यानी कि 4 पे पावर 1 या 3 या 5 इस तरह से रहे तो इकाई अंक कितना होगा 4। तो यहां पर देखिए 102 आपका क्या है, 102 है जो सम संख्या है, और 103 क्या है, 103 है जो विषम संख्या है। तो क्या करते हैं, सम संख्या में पावर रहने पर क्या होता है इकाई अंक 6 हो जाता है, और विषम संख्या पावर में रहने पर इकाई अंक कितना होता है 4 होता है, तो 6 प्लस 4 10 हो गया, तो इकाई अंक 0, 0 कौन सा ऑप्शन दिया है, सी नंबर ऑप्शन दिया है 0, यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 258, क्वेश्चंस नंबर देखिए 258, 512 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो यहां पर देखिए 512 का कौन कौन गुणनखंड होगा, तो 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, उसके बाद 4 का वर्ग, उसके बाद 8 का वर्ग, उसके बाद 16 का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64 और 16 का वर्ग 256, यानी कि 16 का वर्ग 256 होता है, तो 1 2 3 4 5 यानी कि कुल आपका कितना है ऐसा 5 संख्या है, तो 5 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 258 का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 259, वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो, तो बाई ऑप्शंस चलते हैं, यानी कि ऑप्शंस नंबर हम ले रहे हैं डी, डी नंबर ऑप्शंस में दिया है 30, यानी कि 1920 को हम 30 से भाग देते हैं तो कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा
और 3 × 6 = 18, फिर 1 और 2 = 3 × 4 = 12, 64 को लिख सकते हैं हम। 2 का घात कितना, 2 पे पावर 5 = 32 होता है, तो 2 पे पावर 6 कितना होगा, 64। और यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप जानते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है, तो जो भी पावर रहता है उसमें 1 बढ़ा देते हैं, यानी कि पावर में 6 है तो 6 + 1 यानी कि कितना हो गया, 7। और कुल गुणनखंडों की संख्या 7 हुआ, तो 7 आपका क्या है, 7 है जो विषम संख्या है, यही आपसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है, डी, यानी कि 30 लेने पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 260, संख्या 2 पे पावर 10 × 3 पे पावर 6 × 5 पे पावर 3 × 7 पे पावर 5 के कितने गुणक 2160 से विभाज्य है, तो 2160 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4 × 3 पे पावर 3 × 5 पे पावर 1। अब इसके बाद क्या करना है, यानी कि आपको निकालना है, तो क्या करते हैं कि जो लिखा गया है आपका 2 पे पावर 10 संख्या, ये पहले लिखते हैं 2 पे पावर 10 × 3 पे पावर 6 × 5 पे पावर 3 × 7 पे पावर 5, इसको भाग देना होगा कितना से, 2160 से, यानी कि इससे 2 पे पावर 4 × 3 पे पावर 3 × 5 पे पावर 1। तो देखिए ये पहले क्या होगा, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 − 4 यानी कि 6, और 3 पे पावर कितना होगा, 6 − 3 यानी कि 3, और 5 पे पावर कितना होगा, ये आपका 3 − 1 तो 2 हो जाएगा, और 7 पे पावर 5। अब देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब जो भी पावर है 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 6 + 1 × 3 + 1 × 2 + 1 × 5 + 1। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं, तो 7 × 4 × 3 × 6 तो 7 × 28 = 28, 84 × 6 करेंगे तो 6 × 24 = 4, 2 × 6 = 48, 2 = 50, 504। ये ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 260 तक हमने करा दिया, 234 से 260 आपका टाइप 7 पूरा हो गया। देखिए इसके बाद 260 के बाद आपका टाइप 8 है 261 से, तो 261 से जो भी आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और इस बुक का आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, आरआरबी 2022-23 यूथ कंपटीशन का सबसे लेटेस्ट बुक है, और ग्रुप डी एग्जाम के पहले से हम पूरा कर देंगे, और जितना हो सके इजी आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, जितना फास्ट हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और आप भी यानी कि वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए, जो भी आपको सॉल्यूशन में जैसा लगे कमेंट्स करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में सिलेक्ट नहीं किए हैं तो ऑल में जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशंस के द्वारा आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू देख सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।